मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट थर्ड एंड मेजर थर्ड। यूनिट थर्ड पेपर थर्ड हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम आर्केशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आर्केशिया के हमने अभी तक इसकी डॉर्सल सरफेस के बारे में पढ़ा था, अब हम जो पढ़ेंगे इसकी वो पढ़ेंगे आर्केशिया के थैलस की वेंट्रल सरफेस के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक डाल दीजिए वो डाल दिए अध्यक्ष सतह। हमारा फर्स्ट तो हो ही चुका था उपाक्ष सतह के बारे में, नेक्स्ट जब हम जो पढ़ेंगे वो है अध्यक्ष सतह। ये टॉपिक है, डाल दीजिए। लिखिए इसमें अध्यक्ष सतह अपाक्ष सतह की तुलना में अभ्यक्ष सतह अपाक्ष सतह की तुलना में हल्की हरी होती है, हल्की हरी होती है। इसकी सतह पर मूलाभास और शल्क पाए जाते हैं, इसकी सतह पर मूलाभास और शल्क पाए जाते हैं। मूलाभास पतली कोमल धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य थैलस को जमीन पर स्थिर रखना और खनिज पदार्थों और भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना है। इसी सतह पर शल्क भी पाए जाते हैं, इसी सतह पर शल्क पाए जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। क्योंकि इनकी कोशिकाओं में एंथ्रोसाइनिन घुला रहता है। वृद्धि बिंदु को सूखने और आघात लगने से बचाने का होता है,
इसमें बायो में तीसरा लेक्चर लेना है। हां तीसरा लेक्चर दोबारा खड़ी इसमें लगेगा। ये है इसकी अध्यक्ष सतह ठीक है ये डायग्राम बना लो। ये इसका अध्यक्ष सतह है जिसपे क्या मिल रही है हमें स्केल्स मिल रहे हैं शल रूपी संरचना मिल रही है इसकी वेंट्रल सरफेस पे। इसको नोट कर लें डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है मार्किंग शिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका प्रजनन। ये थे हमारे थैलस की स्ट्रक्चर के बारे में कि थैलस जो होता है उसमें दो सतह होती है उपाक्ष सतह और अभ्यक्ष सतह। जो उपाक्ष सतह होती है उसमें गैमा का मध्य श्रेय उपस्थित होती है और जो हमारी अभ्यक्ष सतह होती है उसमें क्या होते हैं शल्क और मूलाभास उपस्थित होते हैं ठीक है। ये हमने अभी तक पढ़ा और इनके कार्य भी पढ़े। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है टॉपिक प्रजनन के बारे में। तो डाल लीजिए टॉपिक प्रजनन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सेम एज इट इज जैसे रिक्शिया का हमने देखा था वैसे ही इसमें भी मार्किंगशिया में मिलेगा क्योंकि दोनों के जो ग्रुप है फैमिलीज है सेम है ब्रायोफाइट्स ठीक है। तो जो मार्किंगशिया के पादपों में जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन की क्रिया पाई जाती है वो कायिक चरण और लैंगिक जनन द्वारा पाई जाती है ठीक है। पहली जो होती है वो होती है कायिक जनन। कौन सी होती है कायिक जनन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास होता है जनन वो होता है लैंगिक जनन जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल
काइल जेनर। तो टॉपिक डाल दीजिए काइल जेनर ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डाल दीजिए
लिखो अपस्थानिक कलियां। नेक्स्ट अपस्थानिक कलियां। लिखो मार्केशिया की कुछ जातियों में, मार्केशिया की कुछ जातियों में अपस्थानिक शाखाएं बन जाती हैं, अपस्थानिक शाखाएं बन जाती हैं। जो मात्र पादप से पृथक होकर, जो मात्र पादप से पृथक होकर नवीन पादप का निर्माण कर लेती हैं, नवीन पादप का निर्माण कर लेती हैं। पालियों के अंतस्थ तथा किनारों के क्षेत्रों पर, अंतस्थ तथा किनारों के क्षेत्रों पर कुछ गोलाकार संरचनाएं, कुछ गोलाकार संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं, निर्मित हो जाती हैं। यह नवीन पादप का निर्माण कर लेती हैं, यह नवीन पादप का निर्माण कर लेती हैं। निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, ये हो गया कंद के बारे में। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ गैमा कप। नेक्स्ट
गैमा कप का परिवर्तन और इसके परिपक्व गैमा की संरचना पढ़ेंगे। तो लिखिए गैमा की संरचना, लिखिए थैलस के उपाक्ष तल पर, थैलस के उपाक्ष या डॉर्सल सरफेस पर एक कपनुमा संरचना होती है, एक कपनुमा संरचना होती है जिसे गैमा कप कहते हैं, जिसे गैमा कप कहते हैं। थैलस के मध्य शिरा में, थैलस के मध्य शिरा में एक या अनेक गैमा का एक पंक्ति में विन्यासित रहते हैं, एक पंक्ति में विन्यासित रहते हैं रहते हैं जिनमें इनका व्यास, जिनमें इनका व्यास 1/8 इंच होता है, 1/8 इंच होता है। गैमा धानी के उर्ध्व, गैमा धानी के उर्ध्व भित्तियों के किनारे, उर्ध्व भित्तियों के किनारे दंती या पालित हो सकते हैं, दंती या पालित हो सकते हैं। इसमें कुछ म्यूसिलेज या सिलेश्मीय रोम उपस्थित रहते हैं, इसमें कुछ म्यूसिलेज या सिलेश्मीय रोम उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे गैमा कप की संरचना के बारे में। एक बार हम इसके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, फिर हम इसमें पढ़ेंगे गैमा कप का डेवलपमेंट किस टाइप से हो रहा है। ये होती है हमारी मिड रिब, क्या है ये मिड रिब, मिड रिब का मतलब यहाँ पे किससे है, मध्य शिरा से।
क्या है ये? मध्य शिरा। Thank you.
की संरचना के बारे में।